तो हम सप्लीमेंट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे हैं रैदर देन हैविंग एक ऐसा नहीं भर भर के खा रहे हैं, भर भर के खाएंगे तो वो बैलेंस डाइट का कोई फ़ायदा नहीं है। हम ऐसी ऐसी चीज़ों को खाते हैं तो इससे क्या होता है बीमारियाँ जो हैं वो ज़्यादातर बहुत इनिशियल एज में टीन एज में होने लगे हैं। जैसे वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ आपके दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेंस डाइट के बारे में, यानी कि बैलेंस डाइट क्या होती है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, हम क्या क्या चीज़ें अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि हम हेल्दी रहें, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड किसे कहते हैं, क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज मैं आप इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बैलेंस डाइट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो बैलेंस डाइट प्लेट में हमारा वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमारे खाने में होनी चाहिए। लोग जो हैं वो सप्लीमेंटेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, ठीक है ये मल्टीविटामिन ले ली, तो हम सप्लीमेंट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे हैं रैदर देन हैविंग अ नेचुरल सोर्स, यानी कि हम नेचुरल सोर्स को पूरा नहीं कर पाते तभी हमें सप्लीमेंटेशंस की ज़रूरत पड़ती है। अब बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट में हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वाटर, पानी और ऑक्सीजन। तो हमें इन सब चीज़ों को अपनी डेली नेचुरल फूड सोर्सेज से कंप्लीट करना है। सपोज अगर आपका बॉडी वेट 80 है, आपका BMI आपने अपना निकाल लिया, बॉडी वेट निकाल ली, उसके हिसाब से आपने अपनी कैलोरीज़ को डिफाइन कर ली। अब आपकी कैलोरीज़ में क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो होनी चाहिए वो होना चाहिए आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो बेयर मिनिमम 0.8 आपको प्रोटीन अपने खाने में लेना है। नेचुरल सोर्सेज से ले सकते हैं, प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए पनीर, सोया, चीज़ स्लाइसेस, इन सब में प्रोटीन होता है, आलमंड्स में प्रोटीन होता है। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, वेज ऑप्शंस प्लस नॉन वेज में चिकन हो गया, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो प्रोटीन 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट का प्रोटीन आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, हर किसी की बॉडी सेम नहीं होती, और जब हर किसी की बॉडी सेम नहीं होती तो किसी किसी को प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी इश्यू होता है। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय योर बॉडी वेट, उतना ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। बट अगर आप उतना ग्राम प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा उसकी जो क्वांटिटी है वो आप लो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है आपका फैट, और फिर आते हैं आपकी सब्जियां यानी कि फाइबर्स हो गए जिसमें मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, और पानी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप बैलेंस डाइट में ये होता है कि आपके ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये दोनों चीज़ें बराबर से आपको अपने खाने से मिल रही हैं, जिससे कि आपको अब बैलेंस डाइट को किस तरीके से लें, बैलेंस डाइट यानी कि आपकी डेली की एनर्जी कितनी बर्न हो रही है उस हिसाब से आपको अपना खाना खाना है। आपको अपना BMI वगैरह पता चल गया और अंदाजे हिसाब से अपने आपने सपोज 1700 के आसपास में कैलोरीज़ वगैरह ले ली, जिसमें कि आपका प्रोटीन भी पूरा हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स भी पूरे हो रहे हैं, फैट भी पूरा हो रहा है, फाइबर्स भी पूरे हो रहे हैं, और पानी तो आप पूरे दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर के आसपास में पानी बेयर मिनिमम आपको पीना चाहिए, इंक्लूडिंग आपका फिज़िकल एक्टिविटी लेवल्स कितना है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पानी का इनटेक जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बैलेंस डाइट में इंक्लूड होती हैं। अब आते हैं फैट। फैट में आपको ट्रांस फैट नहीं लेना, ऑलिव ऑयल, देसी घी, ये इंक्लूड कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। ऐसा नहीं भर भर के खा रहे हैं, भर भर के खाएंगे तो वो बैलेंस डाइट का कोई फ़ायदा नहीं है। बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है उस हिसाब से आपको फैट जो है वो लेना है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के ऑप्शंस होते हैं आपके होल व्हीट ग्रेन्स यानी आटा, दाल, चावल, और आपका पोहा, उपमा, सूजी, ये सारी जो चीज़ें हैं जो आप घर में बनाते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, ये सारा आप सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं फाइबर रिच फूड,
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी सब्जियां होती हैं उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या देते हैं आपको, विटामिंस देते हैं, विटामिन रिच सोर्सेज होते हैं और मिनरल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिला के हमारी बैलेंस डाइट बनती है, जिससे कि आपका जो बॉडी है वो सही रहे, आपका पेट ठीक रहे, आपका मन ठीक रहे, आप हेल्दी रहें। और साथ साथ में प्रोबायोटिक्स वगैरह को भी लेना ना भूलें। प्रोबायोटिक्स आप उस सेंस में ले सकते हैं जैसे कि दही हो गया, दही को पतला करके आपने उसकी छाछ बना ली, लस्सी बना ली, उस तरीके से आप दही को इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है बैलेंस डाइट की। सो बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस ये है, जैसे कि आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है वो बहुत सेडेंटरी हो गई है। न्यूट्रिशन जो हम बोलते हैं, जो मैं मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बार बार बोलती चली जा रही हूँ, वो कहीं ना कहीं लैग होता है। किसी चीज़ को हम ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा एज इन हम ज़्यादातर ट्रांस फैट को लेते हैं क्योंकि ईजिली अवेलेबल होता है, फ्राइड फूड वगैरह बाहर का, स्ट्रीट फूड वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हम उसको ले लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, हैवी लोडेड कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, हम ऐसी ऐसी चीज़ों को खाते हैं। तो इससे क्या होता है, बीमारियाँ जो हैं वो ज़्यादातर बहुत इनिशियल एज में, टीनेज में होने लगे हैं। जैसे लड़कियों को हो जाती है, जैसे उनका टीनेज शुरू होता है तो उनको PCOS की इश्यू हो जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा फिर डिफ़िकल्ट होता है अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते। डायबिटीज़ हो गया, आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट डिजीज़ हो गई, बहुत सारी ये सारी ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं, हाइपरटेंशन हो गया, तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, आपकी को ये बीमारियां ना हो उसके लिए बैलेंस डाइट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना है तो बैलेंस डाइट आपको लेनी ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मेरे साथ में अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।